खुशामदीन नाज़रीन SMH न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। ये खबर बड़ी ही खुशी के साथ दी जाती है कि आज 7 अक्टूबर जुम्मे के खास दिन अंबरपेट वाटर वर्ड्स में कब्रिस्तान की जमीन सक्सेसफुली अलॉटमेंट की गई। आज बाद नमाज जुमा अंबरपेट के तमाम मस्जिद के कमेटी की जानिब से पुरजोश एहतजाज किया गया, जिसके खबर के साथ ही MLA कल्लेरु वेंकटेश और कॉरपोरेटर विजय गौड को मिलते ही वो फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और तमाम मस्जिद कमेटी के मेंबर्स को लेकर कब्रिस्तान के लिए अलॉट की गई ज़मीन पर पहुंचे और जायज़ा लेते हुए ज़मीन को बता दिया गया और ये तयकुन भी दिलाया गया कि अगले 3 से 4 महीनों में इसके तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे और 8 से 10 दिन में कब्रिस्तान का बोर्ड भी लगा दिया जाएगा। इस मौके पर MLA कल्लेरु वेंकटेश के साथ कॉरपोरेटर विजय गौड और दीगर लोग भी मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारी ये खास खबर। अहम और खास खबर के लिए हमारे न्यूज चैनल SMH न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें। अपन उधर से आवाज कड़ी रहता है, कुछ डाउट है तो क्या है? लारी मट्टी डालना है, 3000 लारी मट्टी डाल के उसको कवर करके जब होता है काम। अच्छा, थोड़ा बाद में KTR साहब MLA साहब बात करके उन्होंने जाके बोले तो उन लोग क्या करे, ठीक है साहब हम हैंड ओवर कर रहे हैं बोल के हैंड ओवर कर दिए, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हैंड ओवर दे दिए। ये इशू भी होगा, इस वजह से टेंडर भी डालने लगा ऐसा। ठीक है विजय लठा, विजय ना एक काम करेंगे, 2 महीने 3 महीने होते ना उसके बाद में नहीं हुआ तो हमला कर लेके हमला क्या करते, कोई भी मर गया तो लेके क्या दफना है? नहीं ऐसा नको करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं नहीं लाइसेंस होल्डर है तो ये टेंडर जा सकते हैं 1% लेस में, ये टेंडर भी 1% लेस में है। ये भी कुछ अपन का कॉन्ट्रेक्टर कोई है तो बताओ, मैं तो क्या बोलते आजाद नगर में कॉन्ट्रेक्टर मिला उसको बोला मैं ये टेंडर डालो पहले बोल के, ये टेंडर डालो ये कट कर दो कि बाउंड्री वाल उठा बोल के बोला बस। अभी कितना टाइम लगेगा साहब? अभी बाउंड्री बोले तो पहले ये जाड़ा कटो ना, लैंड लेवल हो ना जी। अभी पानी है इसमें जी, सुनिए जी, अभी गड़े आपको नीट देना है, एक मिनट रे बाबू, आपको दे दिए मैं जाइए दे दिया हो गया, हमारा कब्रिस्तान दे दिया, हम कुछ भी करो बोल के नहीं बोल रहे जी। हम जिम्मेदार ले रहे पार्टी की तरफ से, जो KTR साहब MLA साहब मैं जो जिम्मेदार हमारे इलेक्शन में वादा करे वो वादे के हिसाब में देते हम, किसी के ये बातों में नहीं आते, किसी के ये कोई भी करने दो, मगर हमारा काम हम करते, हम करे तो आपके पास वोट मांगने को आते, नहीं तो वोट एक वोट भी नहीं मांगते। अच्छी बात है, ठीक है एक वोट भी नहीं मांगते, टाइम नहीं बोलते वो ना, जब तक के लिए नेम बोर्ड लगा सकते ना, ग्रेव यार्ड बोल के नेम बोर्ड लगा सकते हैं, मगर नेम बोर्ड कंपल्सर लगा होता लगा देंगे, लगा दे मैच हो जाता है, नेम बोर्ड अगर लगा दिए ना जगह परमानेंट हो जाती, ठीक है नेम बोर्ड लगा देंगे, नेम बोर्ड वाला वो भी नहीं उठा सकता, नेम बोर्ड लगा देंगे, आप रह के करा दो काम, मैं टारगेट करा दो बस खत्म, बस ग्रेव यार्ड लैंड बोल के लगा देंगे, उसके बाद में कोई भी कुछ भी हां लगा देंगे, संडे के दिन पूरे आप अन्ना भी आते हैं, अन्ना के साथ वोट लगा, वोट लगा देंगे अगले संडे, हां भाई होता अन्ना संडे, संडे के दिन कर देंगे। आप कब अभी भी कलावा बोलते अभी भी लगा लो, कुछ अंतराज नहीं है, एक बोर्ड रेडी है तो अभी भी लगा लो, सेकंड संडे नहीं नहीं भाई अभी भी बोर्ड रेडी है तो अभी भी लगा लो बोल रहे, अरे तुम बाउंड्री खींचाते थे बोर्ड ना लगाते, बाउंड्री बोर्ड लगा दो, बाउंड्री का अरे तुम लगा रहे हो, बाउंड्री खींच दिए मैं अभी वादा करता हूँ संडे के दिन बोर्ड भी लगा देंगे, ठीक है आप लगे आपको रेडी है तो रेडी लगा दो बस। सर काम जल्दी से जल्दी शुरू होता, कब तक देते सब हैंड ओवर, कब तक करते जमीन, हैंड ओवर का बात बोला था ये जाड़ा कट करते कि जल्दी काम होता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर इधर इस वजह से मैं क्या बोला, हम नहीं MLA भी इसके बारे में पूछेंगे, मुद्दा उठ जाता है ना फिर, ये भाई वही बोल रहा हूँ, घर 50 गज का घर बना, मैं वादा कर सकता हूँ कितने दिन में आपको
अंडा अंडर कर सकता हूँ। कहीं को बोलते जाट जाट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सुनिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हैंड ओवर में अभी ये खत्म कर देगी। उन लोग अपन को दे देते देते कि मैं मट्टी और कंपाउंड वाल जितने टाइम होता मैं जब बता दूंगा। कहीं को बोलते अभी मैं सुनो अभी लैंड जब नहीं लैंड लैंड मिला सुनो यूसुफ भाई जब लैंड नहीं मिला एक लैंड बताया तो वो थोड़े जने इश्यू कर रहे थे कि खत्म हो गया। चलो हो गया होगा, अभी लैंड हैंड ओवर हुआ। उन लोग वाटर वर्क्स वाले अपन को पेपर लिख के दिए और ये हैंड ओवर भी करे, ये तुम्हारे को लैंड 3 एकड़ लैंड हमको दिए अपन को दे दिए ये पूरा। और आप इसी वास्ते अपन बाउंड्री भी लगा दिए, इधर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अब कह के बोले तो ये अभी कम में नहीं है, यहाँ पर उन्होंने भी लैंड देना बोलते सोच इलेक्शन में नहीं टहरता भी नहीं, अगर नहीं होता हम इलेक्शन में टहरता भी नहीं, मैं टहरता भी नहीं बस। अगर आपको कब्रे से नहीं मैं नहीं टहरता, कारपोरेटर नहीं टहरता मैं बस। और जो भी है कर देंगे, जरूर कर देंगे, बराबर कर देंगे हम आपको, नहीं आपके वास्ते नहीं सबके वास्ते हम करके ही देंगे, सबके वास्ते करके देंगे। हम लड़ रहे हैं इसे, हम लड़े, हम इसके वास्ते लड़े और काउंसिल में बात करे किधर के किधर तक गए हम लोग, मालूम है ना, मेरे को भी मालूम है, मालूम है हमारे को भी मालूम है प्रॉब्लम क्या है। बच्चे का नौजवान बच्चा यहाँ पहला हो गया बड़ा, इन लोगों के संगत कैसे हर बार लड़ना पड़ रहा हमारे को। हम लोग हमारी मतलब शासन बनी बंदी बनी उजाला इनका है बाकी आला काम जल्दी शुरू होना विजय सर एक ना नवंबर तक टाइम दो, हम एक 5-6 महीने में कब्रिस्तान क्लोज कर देंगे बस। और आज हमारे मस्जिद कमेटी वाले आके हमारे को रिक्वेस्ट करे कि हमारा कब्रिस्तान का लैंड एक बार लैंड दिखाए तो हमारे को या अच्छा होगा बोल के, उनको भी कुछ यकीन होता बोल के दिखाने के लिए इधर लाए थे। और सभी अभी हमारे KTR साहब और KTR के MLA काले वेंकटेशना के हिसाब में अभी हमारे हम वाटर वर्क से बात करके 3 एकड़ लैंड कब्रिस्तान के लिए माइनॉरिटी कब्रिस्तान के लिए दिए थे। अभी इन लोगों के पूरा लैंड बताए थे, 3 मस्जिद कमेटी वाले इधर आ गए थे और इनको मैं सबको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कई को बोले तो कब से कि 40 साल से ये मस्ता चल रहा है, हम TRS पार्टी गवर्नमेंट आए बाद में हम वादा कर रहे थे कि हमारे MLA इलेक्शन में और कॉर्पोरेट इलेक्शन में हमारे KTR साहब वादा कर रहे थे कि हम माइनॉरिटी को कैसा भी कब्रिस्तान देके रहेंगे। इस वजह से हम भी हमारे MLA मैं और हमारे MLA दोनों इसके वास्ते बहुत कोशिश करें और KTR साहब सैंक्शन करके ये दे दिए। अब इसको थोड़ा झाड़ा कट करने का है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ये नवंबर तक हो गया और नवंबर के बाद एक 5 महीने के अंदर इनको ये लैंड हैंड ओवर करेंगे बोल के भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सबको शुक्रिया।